सुभान अल्लाह, आले रसूल की शान देखें, क्या उनमें बरकत है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, सारे दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आपको याद है कि मैंने फजाइल दरूद शरीफ से इस दरूद को साबित किया था, और आपको याद है आप अपनी हर रकत में, हर अत्तहियात में यह दरूद पढ़ते हैं। जरा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, जरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। आप तो अपनी हर नमाज में यह दरूद पढ़ते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, मैंने जब दरूद पढ़ा मुझे कहते थे हम समझे शायद यह गैरों का दरूद है। अरे नहीं, हम तो नमाज में हर नमाज पढ़ते हैं। शेख हदीस रहमतुल्लाह ने फजाइल दरूद शरीफ में इस दरूद के अनोखे फजाइल लिखे हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले जा रहे थे एक सफर में, तो एक साहब पे जिन्नाती कैफियत हो गई, जिन गालिब आ गया। अल्लाह के वली थे और विलायत नहीं, जिनके दर से विलायत मिली है, और जो विलायत के शहनशाह और ताजदार थे, उनकी अजमतें, उनके कमाल मुझ जैसा बंदा बयान ही कहां कर सकता है। तो जादू जिन्नात के हवाले से बात चली, तो हजरत शेख ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, असल नाम इनका हुसैन था, हुसैन इब्ने अली। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ठहर जाओ, उसकी बाएं हाथ की उंगली पकड़ी, बाएं हाथ की उंगली पकड़ी, और बस सिर्फ एक लफ्ज पढ़ा, अल्लाह हू अकबर, कुल या अय्युहल काफिरून, बस खत्म, कुल या अय्युहल, क्या माना है इसका? हाँ जी, अल्लाह के हबीब को मेरे हुजूर ने, मेरे अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब को, ऐ कह दें, आप फरमा दें, ऐ सारी कायनात के काफिरों, ये असल में चैलेंज है। और कुल या अय्युहल काफिरून की जब सबसे आखिरी आयत है ना, लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, और ये क्या है, तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुदी पसंद, मुझे खुदा पसंद, तेरा दीन तेरा है, मेरा दीन मेरा है, तुझे ना हक शैतानी दुनिया पसंद है, मुझे अल्लाह की हबीब की गुलामी पसंद है। बस उंगली पकड़ी ऐसे, बाएं हाथ की उंगली, बाएं हाथ की उंगली ऐसे पकड़ी, उंगली पकड़ फरमान ले, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, बस ऐसे पकड़ी, और उसकी निकली चीखें, उसकी निकली चीखें, अल्लाहु अकबर, क्या वो मुकद्दस खून, वो मुकद्दस जुबान, वो मुकद्दस बोल, वो मुकद्दस हस्तियां, फिर उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक क्या होगा, आले रसूल का, मोहम्मद आले मोहम्मद का। वैसे ऐसे पकड़ा और पढ़ते रहे, बस चंद लम्हे ही पढ़ा, चंद लम्हे, और चंद लम्हे पढ़ने के बाद वो एकदम बंदा होश में आया और ठीक होके बैठ गया। आपने उसकी उंगली छोड़ी और फरमाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफिर फिर कभी नहीं आएगा, वो काफिर फिर कभी नहीं आएगा।